आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए बेटा, आज से हम लोग न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु जो पॉइंट इसके नोटिस करने के लिए, वो मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो सबसे पहली बात कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स छोड़कर लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पर या लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पर हम लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है। उसी के लिए आप कुछ नोट्स लिखिए पहले कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज ए वेक्टोरियल अप्रोच बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities like force, momentum, impulse, etc. However, Lagrangian and Hamiltonian formulation is a Lagrangian and Hamiltonian formulation आर स्केलर अप्रोच। बिकॉज इट इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एटसेट्रा। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? बेटा आवाज आ रही है मेरी या फिर नहीं? ओके, आ रही है सर। ओके ओके, क्लियर है ना बिल्कुल, और दिखाई भी दे रहा ना साफ? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल सर, क्लियर। ओके 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 बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली और मुख्य बात ये थी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कोई
अलग अप्रोच नहीं है, इट इज बेसिकली वेक्टोरियल अप्रोच बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स एंड मोमेंटम। हाउएवर लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन जो कि हम पढ़ने वाले आर स्केलर अप्रोचेस है ना, आर स्केलर अप्रोचेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एटसेट्रा, क्योंकि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी यूज होती है, एनर्जी की टर्म्स वाली, तो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि स्केलर के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है अपेक्षाकृत वेक्टर्स के साथ। तो सबसे मुख्य बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन डज नॉट रिड्यूस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम। लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन डज नॉट डू नॉट लिख लें डू नॉट रिड्यूस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम। लेवल ऑफ प्रॉब्लम तो कुछ लोगों को ये जो भ्रम रहता है कि लैग्रांजियन से सवाल हल हो जाते हैं आसानी से, न्यूटोनियन से जो नहीं होते हैं, ऐसा भी कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है मैंने कि लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन डू नॉट रिड्यूस दी डिफिकल्टी लेवल ऑफ दी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को और उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, मतलब बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। बट इट कैन ओपन फर्दर स्कोप ऑफ मैकेनिक्स, इट कैन ओपन फर्दर स्कोप ऑफ मैकेनिक्स इन अदर ब्रांचेस ऑफ ऑफ फिजिक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटसेट्रा। मतलब ये कहना कि हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन डिफिकल्टी लेवल को कमजोर कर देता है या कम कर देता है, ऐसा नहीं है। बट ये कहना सही रहेगा कि इट कैन ओपन फर्दर स्कोप ऑफ मैकेनिक्स, मतलब ये मैकेनिक्स का जो आगे का स्कोप है उसको बढ़ा देता है इन अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑल्सो। मतलब बेसिकली मुख्यतः जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम मैकेनिक्स का स्कोप बढ़ा पाए। ठीक है, एक चीज और भी है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच, इज बेसिकली क्वांटिटेटिव, बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच हाउएवर हाउएवर क्लासिकल मैकेनिक्स हाउएवर क्लासिकल मैकेनिक्स is analytical,
एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल और क्वालिटेटिव अप्रोच कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, क्वालिटेटिव अप्रोच। तो दैट्स व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट लिखूंगा क्लासिकल मैकेनिक्स is also called as analytical mechanics, analytical mechanics। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग एनालिटिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, आप लोगों ने कई जगह बुक के नाम भी देखे होंगे एनालिटिकल मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है, बेसिकली इट इज एनालिटिकल अप्रोच। तो इन सब बातों का मतलब आपको समझ में आया होगा। मैंने ये सब क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है जिससे कि आपको ये बता पाऊं कि हम फर्दर क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्यों पढ़ना चाहते हैं। दूसरे हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वेक्टोरियल अप्रोच होने की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट था, क्योंकि फोर्सेस को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, एडिशन करना, ये सब वेक्टोरियल ही करना पड़ता था। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में जो अप्रोच यूज करेंगे जोड़ने की घटाने की, वो हम स्केलर अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी, तो एनर्जी को तो जोड़ना होता है, तो सीधे सीधे जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि शुरुआत अब करते हैं। तो यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल इस संसार में, कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो पूरी तरह फ्री हो या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, क्योंकि विदाउट रेस्ट्रिक्शंस वो फ्री पार्टिकल कंसीडर भले ही कर लिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी तरह फ्री हो। तो जो हर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स होते हैं अवेलेबल, किसी भी प्रॉब्लम को आप उठा के देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा होता है, तो वो कंस्ट्रेंट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रेंट। Constraints means होता है basically restrictions, प्रतिबंध। किसी system पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो constraints है, है ना। तो restrictions on a particle or system of particles is called as constraints. So restrictions on a particle और सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये रेस्ट्रिक्शंस है कि किसी भी पार्टिकल पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शंस है, या किसी सिस्टम पर। जैसे आप लोगों ने कंस्ट्रेंट यही नहीं, आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है या नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, एंसेंबल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वो भी पढ़े होंगे आप लोगों ने कांस्टेंट। तो ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि किसी पार्टिकल पर लगने वाले जो रेस्ट्रिक्शंस है जो उस प्रॉब्लम को स्पेशल बना देता है। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर कि एक पार्टिकल है जिसको आपने थ्रो कर दिया, तो वही प्रॉब्लम क्या बन जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की। और इसी पार्टिकल को अगर आप किसी रस्सी से बांध दो तो यही प्रॉब्लम क्या बन जाती है, सिंपल पेंडुलम की।
तो ओवरऑल सारा जो प्रॉब्लम्स का जो अलग अलग बनाता है प्रॉब्लम्स को, वो क्या बनाता है? रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होने चाहिए, जितने ज्यादा आपको रेस्ट्रिक्शंस पता होंगे उतना ही आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। हालांकि इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। तो ओवरऑल कंस्ट्रेंट तो ये होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ए पार्टिकल, ठीक है। अब हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस कंस्ट्रेंट, हाउ कैन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किसी भी कंस्ट्रेंट को दर्शाएंगे कैसे, है ना, तो बताएंगे कैसे? तो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स इन वर्ड्स, शब्दों में, या तो आप ऐसे दिखाएंगे इन वर्ड्स, वर्ड्स में बताएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट, शब्दों में कहना। स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट, किसी भी बात को शब्दों में कहना, कंस्टेंट को इस शब्दों में बोलने का है, इसको हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम एग्जाम्पल बतौर समझे, तो कैसे समझेंगे, शब्दों में कैसे कहेंगे? इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं सिंपल पेंडुलम को शॉर्टकट में SPM लिखूंगा, ठीक है, तो आप लोग भी SP लिख देना, तो आप समझ जाओगे क्या लिखना चाह रहा हूं। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कंस्टेंट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट, द लेंथ of the string is fixed or constant. So basically this is the statement of constant, कि भाई simple pendulum है, उसको आपको बताना है, तो आपके पास क्या तरीका है, कि आपने कह दिया लंबाई जो है वो constant है, ये statement हो गया। But if you want to express this constraint in terms of equation, equation की terms में अगर हम इसको explain करें, तो हम उसे बोलेंगे क्या, equation of constraint, नाम से भी बिल्कुल define है। तो in terms of equation, बेटा एक मिनट, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। एक मिनट मैं पीछे जाऊंगा बेटा, चिंता ना करो। आप लोग सब लोग अगर अटेंशन रखोगे तो आज के बाद आप लोगों को इन सब चीजों में जो बेसिक सेंस के उनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ देख लें आप लोग, तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, एक तो वर्ड्स में बताया तो स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट, और अगर इक्वेशन के टर्म्स में बताया तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट।
Now again, if you want to explain the equation of constraint in case of simple pendulum, how can you do that? So मैं फिर से लिखूंगा, for example, in case of simple pendulum, equation of constraint is अब मैं आपको बना दे रहा हूं कि कैसा सिंपल पेंडुलम, मान लीजिए ये हमने ड्रॉ कर रखा है, ये एल लेंथ है, ये ओ है, ये पार्टिकल को पी से दिखा देता हूं, या फिर मैं आप इस पी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं एक्स कॉमा वाई. So there are several ways. Either you can do that like this equation of constraint is OP is equal to L. ऐसे दिखा सकते हैं. या आप ऐसे दिखा सकते हो X square L is equal to constant. ऐसे भी दिखा सकते हैं. या फिर आप ऐसे दिखा दो, बात एक ही है, सारी बातों का एक ही मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गई डिस्टेंस ओपी, अगर ये ओरिजिन है तो, माइनस एल बराबर जीरो. तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कैसे दर्शाते हैं, किसी भी तरीके से आप दर्शा सकते हैं. ओवरऑल कहने का मतलब यही है हर बार कि दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. ठीक है, तो मैंने बताया कंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट. ठीक है, आई थिंक यू ऑल गॉट माय पॉइंट. नाउ there is another thing which is called force of constraint. एक और शब्द आएगा, आप लोग अक्सर देखेंगे क्योंकि मैं यहाँ constraint discuss कर रहा हूं, तो representation of constraint के ही साथ में अगला लिख रहा हूं मैं, force of constraint. तो जब भी कोई कंस्टेंट होगी तो ऑब्वियस है विदाउट एनी फोर्स वो कंस्टेंट कभी भी फॉलो नहीं कराई जा सकती. भाई आपके ऊपर जब तक कोई दबाव नहीं होगा तब तक आप किसी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे. ऐसे ही पार्टिकल भी है, हमेशा फोर्स ऑफ कंस्टेंट क्या होगा, एक हर किसी कंस्टेंट के साथ एक फोर्स होगा और वो फोर्स जो होगा वो उस कंस्टेंट को उसे फॉलो कराएगा. तो मैं ऐसे लिखूंगा कि Every constraint is followed by a force. Every color वही use कर ले रहा हूँ. Every constraint is followed by a force. That force is called as force of constraint. जैसे अब आप तुरंत दिमाग में आएगा, जैसे कैसे पहचानेंगे कि ये force of constraint है या simple एक force है. तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखें, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं बार बार सिंपल पेंडुलम का ही जिक्र करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग किसी और चीज में फंसे. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द फोर्स ऑफ कंस्टेंट इज
टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग मतलब अब आपको ये कैसे पता चले टेंशन ही है। तो यहां तक लिखने के बाद मैं पेज पलटूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो मैं अभी आपको समझाता हूं क्या कहने का मीनिंग है। एक मिनट रुक जाए, पहले समझ लें उसके बाद लिखें। जैसे मान लीजिए ये है आपका सिंपल पेंडुलम, तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर मैं आपसे कहूं इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो एमजी और एक टेंशन, तो दो फोर्स है, एक एमजी है और एक टेंशन है। इन दोनों फोर्स में कौन सा फोर्स ऑफ कंस्टेंट है और कौन सा फोर्स ऑफ कंस्टेंट नहीं है, नॉन कंस्टेंट फोर्स कौन सा है नहीं है? तो आप देखिए डोरी की लेंथ फिक्स है, इस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप अगर इस डोरी को काट दे, मतलब इस कंस्टेंट को खत्म कर दे, इस डोरी को काट दे, मैंने कैची बनाई सीजर, अगर आप इस डोरी को काट देंगे तो mg खत्म हो जाएगा या नहीं? इस डोरी को काटने से mg खत्म होगा या नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं होगा। टेंशन लेकिन खत्म हो जाएगी, टी खत्म होगा। हाँ सर, टी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब डोरी की लेंथ को फिक्स रखने वाले रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेंशन। इसीलिए टेंशन फोर्स ऑफ कंस्टेंट है, जबकि एमजी नॉन कंस्टेंट फोर्स है, नॉन कंस्टेंट फोर्स। इसको आप लोग बुक्स में ऐसे लिखे देखेंगे, फोर्स ऑफ कंस्टेंट को इस सिंबल से देखेंगे लिखा हुआ, टेंशन के कंपोनेंट होंगे, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर कंपोनेंट भी खत्म हो जाएंगे। और बुक्स में आप लोग एनसी लिखा हुआ देखेंगे इस तरीके से, नॉन कंस्टेंट कंस्टेंट फोर्स। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात। आप पीछे वाली स्लाइड देख लें आप लोग। आप लोग मेरे को सुनते रहो बस आज, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे मतलब मोस्टली, सारे तो नहीं कहूंगा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है कि भाई सभी चीजें क्लियर हो जाए। नाउ अब हमने पढ़ लिया कैसे कंस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्टेंट होते क्या है, और कंस्टेंट किस फोर्स से फॉलो किए जाते हैं, उस तरीके की हमने बातें समझ ली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट। पॉइंटर मोटा हो गया है, कल इसकी पिन को बदलूंगा तो बिल्कुल पतला लिखा जाएगा। ठीक है, बदल लो सर। अभी नहीं बदल पाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है, उसमें दिखने में दिक्कत हो रही है। ऐसा अच्छा है सर, वो तो अच्छा लग रहा नहीं सर, ठीक है सर। दिख रहा है ना? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट का मीनिंग ये है कि पहली बात तो एक होता है टाइप ऑफ कंस्टेंट, टाइप ऑफ कंस्टेंट, और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट। कोई मतलब टाइप और क्लासिफिकेशन में बड़ा अंतर होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी। एक मिनट जरा रुकना, बाहर से कहीं से आवाज आ रही है बहुत तेज। हाँ,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी इफ यू डिवाइड सम थिंग सम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इनटू टू कैटेगरीज दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मीन्स उसका आधार कुछ भी हो सकता है. जैसे आप ही का क्लास है अभी मान लीजिए, तो आपके क्लास को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे लड़के लड़कियों का अलग अलग क्लास बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो बच्चे स्पेक्स पहने हुए और नहीं पहने हुए उनका अलग क्लास बना सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्लास में कोई पर्सन आ रहा है बार बार उसी क्लास में आ रहा है. मतलब कहने का मीनिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन किसी बेस पर करते हैं, किसी एक प्रॉपर्टी को रख कर करते हैं, तो उस ब्याह पर कई तरीके से आप कंस्टेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो. तो पहला क्लासिफिकेशन है ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिकल कंस्टेंट. मतलब ज्योमेट्रिकल और काइनेमेटिकल पार्ट में कंस्टेंट को डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं. क्या कहने का मीनिंग है कि इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व्स पोजीशन ओनली. मैं यहां पर लिखूंगा इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व पोजीशन ओनली. मतलब अगर इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट केवल पोजीशन रख रही है, उसको रिप्रेजेंट करने में क्या है पोजीशन की जरूरत पड़ रही है, तब हम ऐसे कंस्टेंट को ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट बोलते हैं. देन कंस्टेंट इज सेट टू बी ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट. ठीक है, तब हम उस कंस्टेंट को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट कहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जरूर पता करना पड़ेगा, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व्स, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या है, कोई सी भी आप लिख ले, ओपी इज इक्वल टू एल लिख लें, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एल बराबर जीरो लिख ले, या कुछ भी लिख ले, इन सारे में आप देख सकते हो इनमें केवल पोजीशन आ रही है. मतलब ओपी इज ए पोजीशन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ये भी पोजीशन है, मतलब वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है. इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व्स पोजीशन ओनली, सो इट इज ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट. So it is geometrical constant. मतलब सिंपल पेंडुलम के केस में जो कंस्टेंट इन्वॉल्व है वो कंस्टेंट क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कंस्टेंट है जिसमें ऐसा भी हो कि पोजीशन के साथ कुछ और भी इन्वॉल्व हो, तो वो हम देखते हैं. इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी, इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व्स
वेलोसिटी इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन्वॉल्व वेलोसिटी देन कंस्टेंट इज said to be kinematical. Constant. मतलब तब उस वक्त हम उस कंस्टेंट को हम लोग काइनामेटिकल कंस्टेंट कहेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके के कंस्टेंट काइनामेटिकल होते हैं, तो वो देखें. अगली लाइन में लिख देता हूं, अगले पेज पे, या यहीं पे लिख देता हूं. चलिए आगे लिख देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की रह गई है स्लाइड, तो कोई बात नहीं, मैं पीछे बढ़ूंगा अभी एक बार और, तब आप लोगों को दिखता है. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क, नॉट सिंपल पेंडुलम, जो बॉइस आ रही है ना, वो किसी की वजह से नहीं आ रही है, हमारी तरफ कुछ ठोक पटक हो रही है उस वजह से आ रही है. तो अभी थोड़ा सा बस कोई कील वगैरह कुछ गाड़ रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है. हाँ, तो ऐसे कॉन्स्टेंट कंस्टेंट हैं जिनमें वेलोसिटी भी आ जाए. तो इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर कंस्टेंट इज point of contact is at rest. जब कभी कोई बॉडी रोल करती है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है परफेक्ट रोलिंग के दौरान क्या होता है, रेस्ट में होता है. ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, आई थिंक याद आ रहा हूं आप लोगों को, बताया था क्या ये? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रोल करते वक्त क्या होता है, हमेशा रेस्ट में रहता है. इसीलिए कहते थे कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है. तो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट. इस टाइप का कंस्टेंट इन्वॉल्व है, और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे करोगे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये अगर कोई रोलिंग डिस्क है तो याद है आप लोगों को कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये रोल कर रही है, मान लीजिए ऐसे रोल कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके अंदर दो वेलोसिटीज होंगी. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे दिखाऊं तो एक आगे की तरफ को v और पीछे की तरफ को आर ओमेगा. इफ आर इज द रेडियस, याद आ रहा है? नहीं? यस सर. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बात को कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में होगा, जब बी बराबर क्या हो, आर ओमेगा के बराबर. तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या बनी, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा. स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट जो मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट रेस्ट. तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट. ठीक है, तो जब रोल करता है, परफेक्ट रोलिंग है ये,
तो जब कोई बॉडी रोल करती है तो इसकी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कुछ इस तरीके की होती है, और यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में देख रहे हैं वेलोसिटी भी है विच इन्वॉल्व वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसमें है इसकी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में, सो इट इज काइनेमेटिकल कांस्टेंट। सो इट इज काइनेमेटिकल कांस्टेंट। समझ में आया कुछ? तो अगर हमें क्या बताना हो कि कोई पर्टिकुलर स्फीयर या पर्टिकुलर कोई डिस्क या सिलेंडर रोल कर रहा है और हमें ये बताना है कि वो परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, तो इस बात को आप इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वेशन के माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी बराबर आर ओमेगा लिखकर। और वी बराबर आर ओमेगा में आप देख सकते हैं कि कंस्टेंट में इक्वेशन में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, बी भी वेलोसिटी, ओमेगा भी वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो हम उसे कहेंगे क्या? काइनेमेटिकल कंस्टेंट। मतलब वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो ये काइनेमेटिकल कंस्टेंट हो जाएगा। नाम से भी साफ साफ पता चल रहा है। ज्योमेट्री मीन्स केवल पोजिशन से जिसका रिश्ता हो। काइनेमेटिकल मीन्स जिसमें गति से उसका रिश्ता हो। तो काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व वेलोसिटी, और जो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व्स पोजीशन ओनली। क्लियर हो रहा है बात को? यहां तक समझ में आ रहा है सभी के? यस सर। क्लियर। अभी 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 जो बोला वो रिपीट करना थोड़ा सा। मैंने कहा नाम से पता चल रहा है ज्योमेट्री मींस केवल पोजीशन से जिसका रिश्ता हो, और काइनेमेटिकल मींस जिसका गति से रिश्ता, मतलब वेलोसिटी। याद करने के लिए भी आपको नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आप लोगों ने सुना होगा होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक, अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। होलोनॉमिक, आवाज बंद करें, बेटा आवाज बंद कर ले। होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक, तो होलोनॉमिक कंस्टेंट और नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट क्या होते हैं? ये नाम थोड़े से अजीब से इसलिए लगते हैं क्योंकि ये यहां की इंग्लिश हिंदी के शब्द ही नहीं होंगे। आप लोगों ने होलोग्राफी सुना होगा, होलोग्राफी आई थिंक सभी ने सुना होगा। होलो मींस व्हाट? होलो मींस क्या होता है? कंप्लीट। होलोग्राफी भी बोलते कंप्लीट फोटोग्राफी, कंप्लीट इंटायर। कंप्लीट और इंटायर और इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इंटायर और इंटीग्रेबल। ठीक है, तो होलो कोई इंग्लिश लेटर नहीं है, इंग्लिश शब्द नहीं है, बस इसीलिए हमें इससे थोड़ा सा डर लगता है। तो होलो का जो मतलब है वो क्या है? कंप्लीट से या इंटायर से।
या इंटीग्रेबल से। अभी मैं आपको इन सब चीजों का मतलब बताऊंगा। आप लोगों ने और भी जगह इस तरीके के वर्ड सुने होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कभी आप लोगों ने वो सुना है हेलोजेंस? हाँ सर। हेलोजेंस सेवेंथ है ग्रुप। यस सर। सेवेंथ है ग्रुप। क्यों बोलते हैं उन्हें हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, इन सबको हम लोग क्यों बोलते हैं? हेलोजन कंप्लीटली फिल होती है, तो हेलोजन क्यों बोलते हैं? किसी को नहीं पता इसका मतलब? किसी ने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी नहीं है थोड़ी भी? हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? किसी ने, बच्चे ने सही जवाब दिया है? एक दो लोगों ने? नहीं 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 इसमें लिखा है ये साल्ट देते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं। वैसे हेलोजेंस मीन्स बता दूं मैं, जो समंदर से रिलेटेड होते हैं, समुद्र से निकलने वाली जो सी से निकलती हैं चीजें, उनको हेलोजेंस नाम दिया गया है। ये भी अंग्रेजी वर्ड नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं। तो जो समुद्र से अवतरित है वो सब जो है हेलोजेंस, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस, और आप लोगों ने और भी सब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े होंगे जो कि यहाँ की भाषा के, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सब हमारे समुद्री घास वगैरह से, समुद्र के पानी से मिलता है, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते थे हेलोजेंस। खैर हमारा वो कंसर्न नहीं है। अब हम बात करते हैं होल, ये साल्ट बनाते हैं सर, मतलब क्या है? ठीक है, होलोनॉमिक। अब नॉन होलोनॉमिक से यहाँ क्या मीनिंग है, क्या मतलब है कंप्लीट और इंटायर का? तो इफ ए कंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इफ ए कंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैसे? अब देखना, आप बड़ी अच्छी बात लिख रहा हूं और आप लोगों को हो सकता है थोड़ी देर तकलीफ भी रहे। अगर आपका कोई भी कंस्टेंट इस फॉर्म में फंक्शन ऑफ पोजीशंस, फंक्शन ऑफ पोजीशंस इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जाए, या फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे कंस्टेंट को हम होलोनॉमिक कंस्टेंट बोलते हैं। दीज टाइप ऑफ कंस्टेंट्स आर कॉल्ड एज होलोनॉमिक कंस्टेंट। मतलब ऐसे कंस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? होलोनॉमिक कंस्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे तो उन्हें हम नॉन होलोनॉमिक बोलेंगे। अब देखें आप क्या कहने का मतलब है। तो पहले, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल पे आता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप सोच रहे होंगे सिंपल पेंडुलम के अलावा भी आप कोई ले लीजिए तो आप लूंगा, लेकिन जब तक सिंपल पेंडुलम है तब तक किसी और की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इज, सिंपल पेंडुलम के केस में इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट कैसे लिखी जाएगी? OP माइनस L इज इक्वल टू जीरो
या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बराबर जीरो। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जा रहा है कि नहीं, मतलब पोजीशन के फंक्शन के बराबर जीरो के बराबर लिखा जा रहा है कि नहीं। Yes, यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। इस फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है तो इसीलिए ये क्या है, होलोनॉमिक है। अब जरा बात करते हैं नॉन होलोनॉमिक की, तो अदरवाइज लिख सकता हूं मैं, अदरवाइज नॉन होलोनॉमिक, अब अदरवाइज का मतलब क्या है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं अदरवाइज की। तो सबसे पहली बात तो इट इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भाई इक्वल नहीं है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके का साइन है, या फिर नॉन इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है, अगर नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कंस्टेंट अगर इन्वॉल्व है इन्वॉल्व है, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इस फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कैसे, पहले एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहले वन करता हूँ फिर दो करूंगा, क्योंकि दोनों बातों को समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एग्जाम्पल नंबर वन, पार्टिकल ऑन स्फीयर, ये एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए, तो सबसे पहले पार्टिकल ऑन स्फीयर की अगर बात करूं, तो स्फीयर पे अगर कोई पार्टिकल है रखा हुआ, मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और इसके ऊपर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो, अगर पार्टिकल की पोजीशन P है ये, और ये सेंटर इसका C है या P O है, तो ओपी, ओपी मीन्स पार्टिकल की पी तक, ओ से पी तक की दूरी, पार्टिकल की पोजीशन, इट इज इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या होगी, OP modulus, if this radius is R, then OP may be equal to R or greater than R. Am I correct or not? जितनी देर ये सरफेस पर बना रहेगा उतनी देर इक्वल टू R होगा, और जब सरफेस से ये निकल जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आके ये गिर जाएगा, हट जाएगा, वो आपको मैंने बताया भी था, प्रॉब्लम करवाई थी इस तरीके की। तो इसका पाथ आप OP is equal to R से दिखा के, OP is greater than equal to R से दिखाना पड़ेगा। तो आप कहोगे क्या, OP minus R greater than or equal to zero. Now you can conclude that you can't write F in terms of position. इट इज, अगर आप इसको स्मॉल आर से दिखा दो तो और अच्छा रहेगा। तो स्मॉल आर इज द पोजीशन, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ना कि इक्वल टू जीरो की टर्म्स में लिख पाए, है ना। ओपी को अगर स्मॉल आर से दिखा दूं,
इसी तरीके से तो हो जाएगा, मत लिखो इसको ऐसे। तो ओवरऑल कहने का मतलब तो यही है कि इक्वल टू नहीं आया, इनइक्वलिटी आ गई, मतलब इस फॉर्म में तो नहीं लिखा जा पाया इस फॉर्म में। अगर इक्वल टू की फॉर्म में लिख जाता तो ये क्या हो जाता, होलोनॉमिक। तो ये नॉन होलोनॉमिक का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब रोलिंग डिस्क ऑन ए प्लेन, एग्जाम्पल नंबर टू देखें। यहां तक लिख लें फटाफट। नवीन बेटा थोड़ा सा वेट करो, समझ आएगा, चिंता ना करो, बिल्कुल समझ में आएगा, एट लास्ट आपको समझ में आ जाएगा सर। एट लास्ट मतलब आज ही की क्लास के अंत तक। एग्जाम्पल टू देखें आप, बेटा अभी टर्मिनोलॉजी पे बात हो रही है, टर्म जो यूज होती है ना वो टर्म की बात हो रही है, तो अभी इसको आप फिजिकली रिलेट मत करो। वैसे फिजिकली करना है तो आपको प्रॉब्लम सामने दिखा रहा हूं, आप किसी स्फीयर की सरफेस पर अगर होगे तो कुछ देर तक आप सरफेस पर होगे, उसके बाद आप सरफेस से हट जाओगे, और वो आपको एंगल भी मैंने प्रूव करवाया था, कॉस इनवर्स 2/3 आता है, याद आया है? कुछ नहीं, ये क्वेश्चन करवाया था ना? यस सर। तो कहने का मतलब इंटायर प्रॉब्लम अगर देखो तो क्या एक जैसी है? अगर आप ध्यान से देखो यहां पे प्रॉब्लम अपना बिहेवियर बदल रही है, बिफोर लीविंग द सरफेस इट इज सर्कुलर मोशन एंड आफ्टर लीविंग द सरफेस इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सो इंटायरली इट इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज कैरेक्टराइज्ड एज नॉन होलोनॉमिक प्रॉब्लम। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये होलोनॉमिक नहीं है पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा ना इट इज नॉट इंटायरली सेम प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम एक नहीं है, इंटायर प्रॉब्लम एक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नॉन होलोनॉमिक का केस। अभी हम देखते हैं इसमें जो लिखवाया कि नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कंस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो भी क्या नहीं लिख पाएंगे क्या, तो वो एग्जाम्पल नंबर टू देखें आप, तो आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर टू, ये थोड़ा कठिन है लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रोलिंग डिस्क ऑन प्लेन, रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो आप देखो जरा, अगर एक एक डिस्क है जो रोल कर रही है, आप लोगों ने अक्सर ये वाली पिक्चर बहुत लोगों ने देखी होगी। मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक पिक्चर डाल लेता हूँ मैं, वरना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एक मिनट रुक जाए बस। दिख रहा सभी को स्क्रीन? तो मान लीजिए एक एक रोलिंग डिस्क है जो कि ग्राउंड पर भाग रही है, तो मैंने ये बना लिया ग्राउंड, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये कोई डिस्क है जो घूम रही है, इस पर एक डिस्क है जो भाग रही है या लुढ़क रही है, जैसे आप समझे, ये कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने कभी सिक्का छोड़ा होगा जमीन पर, क्वाइन, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए जा रहा है ये इस तरीके से, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी है,
आगे की तरफ को। तो अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करूं इस वी के, ये एक्स है और ये वाई के पैरेलल बनाइए तो वाई है, तो इसके कंपोनेंट अगर मैं करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना, वी कॉस थीटा, या कह लूं मैं एक्स डॉट, और ये वाला कंपोनेंट मैं कह लूं क्या, वाई डॉट, ठीक है। और चूंकि ये बॉडी ये रोल कर रही है, चूंकि ये रोल कर रही है, ये इस तरीके से रोल कर रही है, तो इसके अंदर एक रोलिंग मोशन की वजह से भी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी कितनी, मान लीजिए फाई रोल करते हुए आगे बढ़ रही है इस तरीके से, ये वाला कोऑर्डिनेट फाई है जो कि बदल रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट अगर इसकी रेडियस आर है या ए है या कुछ भी है, तो अगर आर रेडियस है तो ये आर फाई डॉट इस तरफ होगी पीछे की तरफ को, और ये वाला एंगल ये इधर ना दिखा के थोड़ा तिरछा दिखाते हैं, ये आर फाइव डॉट, और ये वाला एंगल जो है वो जिस ये जो डिस्क खड़ी हुई है वो कितने एंगल पर खड़ी हुई है, मान लीजिए इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जिसके अबाउट ये मूव कर रही है वो थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। सर बीच का डायग्राम नहीं समझ में आ रहा, बीच का नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अभी बना एक मिनट बना लूं पहले उसके बाद दिखाता हूं। इसके एक्सिस जो है वो थीटा एंगल बना रही है मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, तो ये वाला एंगल या ये कोई सा भी एंगल अगर थीटा या फाई हो तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो मैं आर फाई डॉट कॉस थीटा होगा और आर फाई डॉट साइन थीटा होगा, और उसको अगर मैं एक्स डॉट और वाई डॉट से कंपेयर करूं तो कितना आएगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू आर फाई डॉट कॉस थीटा या साइन थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है आर पाई डॉट कॉस थीटा या साइन थीटा, थोड़ा इधर देख लो अब आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये पिक्चर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये पिक्चर डाला, इसको देखो आप लोग, ये देखिए आप, ये जिस डिस्क जिस ओरिएंटेशन में रुकी हुई है, मान लीजिए फाई घूम गई है तो फाई घूम जाएगी इस तरीके से रोल कर रही है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से रोल कर रही है, तो भाई आर फाई डॉट किधर होगा, पीछे की तरफ को, जो ब्लू कलर का वेक्टर दिख रहा है ये रहा, अरे रोल ऐसे से करेगी तो ये आर फाई डॉट नीचे की तरफ को, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की तरफ को वो ये रही, ठीक है। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो ये एक्स डॉट कंपोनेंट, ये वाई डॉट कंपोनेंट, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आर फाई डॉट कॉस थीटा ये वाला आएगा, आर फाई डॉट साइन थीटा ये वाला आएगा, तो दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों बराबर है चूंकि, तभी तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में रहने के लिए क्या होगा, एक्स डॉट जो है वो आर फाई डॉट कॉस थीटा के बराबर होगा और वाई डॉट जो है वो आर फाई डॉट साइन थीटा के बराबर होगा, और आप ध्यान से देख सकते हैं दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू आर डी फाई कॉस थीटा, डी वाई इज इक्वल टू आर डी फाई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो भी, ये दो इक्वेशन नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यू कांट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हाउ कैन यू प्रूव दैट, how can we prove that sir, yahan pe r phi dot cos theta kaise aaya beta, r phi dot jaise aapne coin ko dekha hoga, coin kidhar bhi chalta hai na, agar aap dekho jaise ye wala dekho picture, maine ye kaise banane ki koshish ki hai, ye dekho
ये क्वाइन कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा। क्वाइन क्वाइन किसी भी क्वाइन क्यों लिया है, डिस्क क्यों लिया, डिस्क इसलिए लिए कि वो किसी भी आर्बिट्ररी पाथ को फॉलो कर रही है। तो एट एनी इंस्टेंट वो कितने एंगल पर खड़ी हुई है, थीटा एंगल पर, जो उसका जो बॉटम जिसपे ये चल रही थी उसकी तरफ जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कितनी झुकी हुई है, थीटा। तो आर फाइ डॉट जो आएगा वो आर फाइ डॉट कॉस थीटा एक कंपोनेंट आएगा, एक बाई कंपोनेंट साइन थीटा वाला आएगा, दोनों बराबर होंगे तभी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट होगी वो एक्स डॉट इज इक्वल टू आर फाइ डॉट कॉस थीटा और आर फाइ डॉट साइन थीटा होगी, बाई डॉट इज इक्वल टू। मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं। तो लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। सो लेट अस consider the solution of equation वन। तो जो पहली इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हम मान लेते हैं, कुछ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए r ये किस किस की है, x थीटा और phi, ये तीन ही तो है इसमें, x phi थीटा इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का ही सोल्यूशन तो आएगा अगर आया तो। अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम देखेंगे। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल फाई डी फाई, डेल फाई ओवर डेल थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। नहीं, और इक्वेशन नंबर थ्री मान ले और कंपेयर कर ले इक्वेशन वन और थ्री को, कंपेयर इक्वेशन वन एंड थ्री, तीनों इक्वेशन को जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो डीएक्स का कोफिशियंट यहां पर वन है और यहां पर डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स है और वहां वन है, देख लो। डी फाई का अगर देखूं तो यहां डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल फाई है और यहां पर कितना होगा, माइनस आर कॉस थीटा। और डेल एफ ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, क्योंकि वहां नहीं है। नहीं समझ में आ रहा कंपैरिजन? अब आप ये देख लो, बेसिक एक्सियोम्स जो होती हैं या बेसिक रूल्स होते हैं जो कैलकुलस के, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं फाई के रिस्पेक्ट में, इस वाली को डी टू फाई ओवर डी थीटा डी फाई डेल फाई कितना आएगा, ये कितना आएगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दूं अगर, तो आर साइन थीटा। और अगर इसको फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दूं तो जीरो। इसका मतलब डेल टू एफ ओवर डेल थीटा डेल फाई इज नॉट इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल फाई डेल थीटा। इसका मतलब अवर कंसीडरेशन, अवर कंसीडरेशन और अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, क्योंकि फंडामेंटल एक्सियोम है ये कि ये सही होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का। दिस इज रॉन्ग, तो मैं नई लाइन पे लिख देता हूं, दिस इज रॉन्ग। अभी बेटा दोबारा डायग्राम समझाता हूं। So we can say that, एक मिनट बेटा,
सो वी कैन से दैट सॉल्यूशन एफ एक्स फाइव थीटा डज नॉट एग्जिस्ट और we can say that equation 1 as well as equation 2 are non-integrable. Question. So constraint involve in rolling disk is non-holonomic. देख ले पीछे वाली स्लाइड, जिसको फिगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं अभी बताता हूं दोबारा से. लास्ट स्लाइड में आना सर. हाँ बेटा क्या कह रहे. लास्ट स्लाइड बेटा एक मिनट अभी रुकने जरा आपको, क्या मैं अभी आप लोगों को रोलिंग डिस्क का कोई एनिमेशन ढूंढ के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
चलो बेटा एक मिनट, आप लोगों को ऐसा कोई पिक्चर दिख नहीं रहा ढंग का, ये बताना चाह रहा हूँ, फिर से इसको समझो आप लोग, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश भी करनी है, ऐसा नहीं है एकदम मतलब दिखा नहीं पाऊंगा ऐसे, लेकिन आप थोड़ा समझो। अगर ये सिलेंडर होता, समझना, तब तो ये सीधी रेखा में चलता रहता, लेकिन चूंकि ये डिस्क है तो डिस्क डिस्क बिहेव किसकी तरह करेगी, लाइक ए क्वाइन। और क्वाइन आपने देखा होगा कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है, उसका पाथ जिगजैग होता है ना। कभी आप फर्श पर क्वाइन को लुका के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। तो वो अपनी अगर इसकी एक्सिस में इसमें डिनोट कर दूं, दिखा दूं, ये अगर एक्सिस में दिखा दूं तो ये एक्सिस भी तो रोटेट करती हुई जाएगी। जब ये ऐसे चलेगा ऐसे खड़ा होगा तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, ऐसे खड़ा होगा तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसकी एक्सिस के साथ साथ ये खुद भी क्या हो रहा होगा, ये खुद भी घूम रहा होगा, तो इसका ओरिएंटेशन लगातार बदल रहा होगा। तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर जिस वक्त ये खड़ा हुआ है वो पिक्चर ये बना हुआ है, कितना आगे बढ़ गया है ये। अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं तो ये दिखा सकता हूं कि ये पाथ इस तरीके का फॉलो करता हुआ आया होगा मान लीजिए, और मान लीजिए बाद में इस तरीके का पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा होगा, लेकिन सॉरी लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। उस पोजीशन पे ये कितना घूम चुका है अपनी एक्सिस पर, ये कितना आगे बढ़ चुका है, फाई एंगल घूम चुका है। अगर ये फाई एंगल घूम गया है तो आर फाई डॉट इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, जो नीला वाला वेक्टर दिखाया गया है। होगी, जैसे ये लुढ़क रहा है तो ये आर फाई डॉट होगी, आर ओमेगा होती थी, ओमेगा को फाई डॉट, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन कितना बदल गया है, फाई बदल गया है ना। और इसके अंदर एक सेंटर ऑफ मास भी इसका आगे भाग रहा होगा बी वेलोसिटी से, तो वो भी होगी बी। तो ये तो पिक्चर हो गई है। अब जिस वक्त ये फोटो खींचा गया है, जिस इंस्टेंट पर ये फोटो लिया गया है, उस वक्त ये वाली चीज एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इसके कितने होंगे, ये आर फाई डॉट के कंपोनेंट आर फाई डॉट कॉस थीटा, ये वाला आर फाई डॉट साइन थीटा। और वी के कंपोनेंट देखो तो वी के कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, या फिर एक्स डॉट और वाई डॉट लिख ले तो ये होगा वाई डॉट और ये होगा एक्स डॉट। तो अगर मैं बराबर बराबर लिखूं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में तभी हो सकता है जब ये आगे पीछे बराबर हो, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, यही तो लिखी जाएंगी इक्वेशन। अब देखो जिसने पूछा बेटा, समझ आया आगे सर। सर ये आर फाइव वाला और एक बार बताना, आर फाइव डॉट एक बार बताओ। अगर ये यहां से लुढ़कना स्टार्ट करे, ठीक है, और लुढ़कते 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 ये कितनी हो जाए, यहां पहुंच जाए ये, और ये मान लो थीटा एंगल घूम जाए, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे लिखो, कितनी लिखोगे ये बताओ। आर डी थी, आर ओमेगा लिखोगे ना, ओमेगा होता है डी फाई अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी आर थीटा डॉट लिखोगे। वैसे ही एंगल फाई घूम गया है तो आर फाई डॉट होगा। नहीं समझ में आ रहा, गोल्ड स्टीम की अगर आप लोगों के पास बुक हो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसमें ये एग्जांपल जरूर होगा, ये जरूर एग्जांपल होगा हर बुक के अंदर। सर जो फाई एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ है कि आई आई वर्टिकल से, शायद नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये बता रहा है। अगर आपको ये लग रहा है वर्टिकल है तो ये वर्टिकल नहीं है,
ये मतलब किसी भी जगह से, ऐसे समझ लो जितना भी घूम गया होगा एंगल वो है ही, जितना भी घूम गया होगा एंगल वो है ही। अब सही है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो हटा दिया मैंने ये। ओके अभी भी डाउट नहीं क्लियर हुआ ये वाला? अब आपको ये पता करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है कि नहीं। तो आपने इसका सलूशन मान लिया और मानने के बाद बेसिक जो कैलकुलस के रूल्स हैं वो बॉयलेट हो रहे हैं। तो आपने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, सलूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है। और नॉन इंटीग्रेबल अगर है तो वो होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक होंगी, जो मैंने ये लिखा था ना कि नॉन इंटीग्रेबल काइनामेटिकल कंस्टेंट। देखो यहाँ पे ये नॉन इंटीग्रेबल कौन सा कंस्टेंट है, ये काइनामेटिकल है ज्योमेट्रिकल है? क्यों? क्योंकि तो इसमें वेलोसिटी भी है ना, वेलोसिटी है। और अगर इसको इंटीग्रेट कर लेते, अगर मान लो काइनेमेटिकल कंस्टेंट को आप अगर इंटीग्रेट कर देते तो क्या बन जाता, सोचो। अगर आप काइनेमेटिकल कंस्टेंट को इंटीग्रेट कर लेते, ज्योमेट्रिकल बन जाता, क्योंकि काइनेमेटिकल कंस्टेंट इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन, मतलब जो वेलोसिटी है वो पोजीशन में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होलोनॉमिक है, तो ये क्या है, होलोनॉमिक। अगर ऐसा होता तो, लेकिन अगर काइनेमेटिकल कंस्टेंट नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब नॉन इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी खत्म ही नहीं होगी। और अगर नहीं हो पाएगा तो ये फिर नॉन होलोनॉमिक का एग्जांपल है, जो कि इस केस में हुआ। अब यही चीज अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, रोलिंग सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा और कंफ्यूजन दूंगे। एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 3 बताता हूं फिर से, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 1-3 और देख लो, रोलिंग सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कुछ लोगों ने लिख भी दिया कि ये ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट होगा या ऑन इनक्लाइंड प्लेन। देखते हैं रोलिंग सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे बिहेव करेगा, हालांकि ये सब मैं करवाऊंगा आप लोगों को आगे। अब देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। जब ये नीचे की तरफ को लुढ़केगा, मान लीजिए ऐसे लुढ़क रहा है, इसकी रेडियस आर है, और मान लीजिए घूमते घूमते कितना घूम गया, फाई, तो ये कितना होगा इधर की तरफ को वेलोसिटी इसके अंदर, आर फाई डॉट, और आगे की तरफ को वेलोसिटी कितनी होगी भैया, मान लीजिए यहां से लुढ़कना स्टार्ट हुआ था,
मान लीजिए कितना आगे बढ़ गया ये एक्स, तो ये कितना होगा एक्स डॉट, और इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या लिखी जाएगी एक्स डॉट इज इक्वल टू आर फाइव डॉट। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू आर फाइव हो जाएगा सीधा सीधा? नो सर, नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि फाइव है वो कांस्टेंट। नहीं, अरे फाइव वेरिएबल है भाई। आप कैसे करोगे इंटीग्रेट? इसको ऐसे लिख लो डी एक्स बराबर आर डी थीटा डी फाई, इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ। कैसे लिखोगे एक्स इज इक्वल टू आर फाई? नहीं लिखोगे और कैसे लिखोगे? ये सर, इसका मतलब एक्स माइनस आर फाई इज इक्वल टू जीरो। यानी आप लिख पाए कैसे फॉर्म में? इस फॉर्म में। और अगर आप इस फॉर्म में लिख पाए तो क्या है ये फिर? होलोनॉमिक। तो ये होलोनॉमिक है। देखो यहां पर यही हुआ जो पीछे मैंने स्टार बनाया कि काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है लेकिन इंटीग्रेबल कंस्टेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, और ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया तो ये होलोनॉमिक कंस्टेंट का एग्जाम्पल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए अगला हेडिंग लिखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन थर्ड नंबर, रियोनॉमिक एंड स्केलरोनॉमिक। स्केलरोनॉमिक एंड रियोनॉमिक। तो स्केलरोनॉमिक और रियोनॉमिक, अगेन दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर इज अ मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इनका क्या मीनिंग है? स्केलरोनॉमिक मींस रिजिड, स्केलरो मींस रिजिड, एंड रियो मींस रनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि रियोनॉमिक और स्केलरोनॉमिक क्या है। एक मिनट रुकना जरा, एक फोन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? रनिंग मींस बेसिकली जिसमें टाइम इन्वॉल्व, टाइम डिपेंडेंट। रिजिड मींस जिसमें टाइम का कोई फर्क ना पड़ता हो। तो नाम से ही पता चल रहा है स्केलरो मींस जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, और रियो मींस जो टाइम डिपेंडेंट हो। तो यहां पर हम डेफिनेशंस भी लिख लेंगे कि इफ इक्वेशन, इफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट does not dependent on time explicitly, on time explicitly,
देन कंस्टेंट इज सेट टू बी स्केलरोनॉमिक ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल टू जीरो. दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. इट हैज नॉट टाइम एक्सप्लिसिटली है ना. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली. However, दूसरा देख लें. If equation of constraint, वही मैं पूरा लिखूंगा sentence. If equation of constraint dependent on time explicitly. Then constraint is said to be rheonomic. Constraint तब उसे क्या कहेंगे हम rheonomic कहेंगे. और इस तरीके का example कहाँ मिलेगा जिसमें time explicitly involved हो वो हमें देखना पड़ेगा. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. आप लोग पहले फटाफट लिख लेंगे. सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट. सिंपल पेंडुलम with oscillating support. Simple pendulum with oscillating support. और मान लीजिए oscillating support जो है वो किस तरीके से movement कर रही है. xt is equal to a cos omega t. मैं इसको अलग से लिख देता हूं. सपोर्ट और xt is equal to a cos omega t. इस तरीके से सपोर्ट जो है इसकी ऑसिलेट कर रही है. तो कुछ पिक्चराइज करता हूं मैं बनाता हूं फिगर क्या कहना चाह रहा हूं. तो थोड़ा आप देखें इधर. मान लीजिए ये ऑसिलेटिंग सपोर्ट जो है वो इसकी इसके अबाउट मोशन कर रही है. एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए यहां पर है पेंडुलम और इस तरीके से पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है ये. ठीक है इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या मैंने जो बता दिया है. और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना ए है. ठीक है ओवरऑल हमें इससे मतलब नहीं. एट एनी इंस्टेंट ये कहां पहुंच गया यहां पर. तो अगर मैं ये दूरी कहूं टी टाइम पर मान लो तो ये दूरी कितनी होगी.
ए कॉस ओमेगा टी, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई हैं, यानी इस ओरिजिन के लिए अगर ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो ये वाली चीज किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर, और ये वाली वाई के बराबर, अर्थात ये वाई के बराबर। तो हम जो एल के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट कैसे लिखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये अगर है तो ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाली आपको दिख ही रही है कितनी है, x माइनस ए कोस ओमेगा टी। सो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या होगी, x माइनस ए कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एल बराबर जीरो, कुछ इसी तरीके से तो होगी। गलत कह रहा हूं क्या? भाई इसको अलग से दिखा दूंगा ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर लगाया, ध्यान से देखो। सर एल स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया तो बेटा एल लिखो ना फिर। ओके सर। बहुत बार लिखा था अभी मैंने, देखो कितनी बार तो ये इक्वेशन लिखी है, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बराबर जीरो, हर बार यही लिख रहा हूँ। यहाँ देखो यहाँ भी लिखी थी। क्या कह सकते हो कि इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई सर, वहां पे एल स्क्वायर आएगा कहाँ पे बेटा, माइनस एल स्क्वायर आएगा यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, अरे बेटा बताओ यहाँ आएगा नहीं, तो फिर यहाँ कैसे आएगा, नहीं आएगा। So it is dependent on x, y and t also. T is here explicitly. Explicitly means direct presence of any variable. Explicit presence कहलाती है। और यहाँ पे टाइम क्या है, सीधा सीधा फंक्शनल अपीयरेंस है उसकी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज कंस्टेंट इज रियोनोम, कंस्टेंट इज रियोनोमिक। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? यस सर। एक स्लाइड और ऐड करता हूं, दिख रही है आप लोगों को एक स्लाइड? हाँ सर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये वाला बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं समझ में आया, इसमें समझना नहीं है। मैं ये बता रहा था कि रियोनोमिक का ये एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये कैसे एग्जाम्पल है कि अगर ऑसिलेटिंग सपोर्ट है तो एट एनी इंस्टेंट ये ऑसिलेटिंग सपोर्ट कहीं भाग गई होगी,
तो कितनी दूर निकल गई होगी, t इज इक्वल टू टी पर a cos ओमेगा t, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया होगा x माइनस a cos ओमेगा t, इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर l स्क्वायर लिखूंगा ना, या फिर ऐसे कह लूं इसका स्क्वायर का अंडर रूट बराबर l। तो यहाँ पे टाइम इस एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, अगर टाइम एक्सप्रेशन में आ रहा है तो फिर ये रियोनॉमिक है। जरा आप ध्यान से देखो, ये कई एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में जो कंस्टेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट? टाइम इंडिपेंडेंट। सो इट इज स्केलरोनॉमिक एंड यू कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एल इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप लिख सकते हैं। तो ये कैसी है, होलोनॉमिक या नॉन होलोनॉमिक? होलोनॉमिक या नॉन होलोनॉमिक? सिंपल पेंडुलम के केस में ही बात हो रही है अभी, तो होलोनॉमिक। और अगर मैं इसकी देखूं इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट ज्योमेट्रिक टाइप की है काइनेमेटिकल कंस्टेंट टाइप की है? ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई ही इन्वॉल्व है केवल। तो ध्यान से देखो कि स्केलरनॉमिक भी है, होलोनॉमिक भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। तो मैनी मोर वन इन ये और दूसरा वाला एग्जाम्पल देखें जरा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये वो है पार्टिकल ऑन स्फीयर। स्फीयर के ऊपर पार्टिकल, इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या थी? मैं लिखता चलूं इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट जिससे कि आप लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाओ। इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी v is equal to r omega x square plus y square under root minus l बराबर जीरो। इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी। और इसकी पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस, इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी op माइनस आर या ग्रेटर देन इक्वल टू आर। याद आ रहा सबको? नहीं? Yes, sir. तो ये पार्टिकल है ना कि कोई स्फेयर के ऊपर स्फेयर है। तो यहां से देखो ये इनइक्वलिटी है इसके अंदर, तो नॉन होलोनॉमिक है। इनइक्वलिटी है तो नॉन होलोनॉमिक है। टाइम नहीं है इसलिए स्केलरोनॉमिक है, और चूंकि इसमें पोजीशन है इसलिए ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, केवल पोजीशन है इसलिए ज्योमेट्रिकल है। अब अगला एटवुड मशीन देख लो। एटवुड मशीन में अगर इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट देखें तो क्या होगी? हालांकि बताई नहीं है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ये y1 है और ये y2 है तो आप इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या लिखेंगे? y1 plus y2 is equal to l is equal to constant, अगर स्मॉल पुली है तो, है ना? यही तो लिखेंगे भाई, लंबाई जो स्ट्रिंग की है वो फिक्स रहती है। yes. तो अब अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट देखो तो इसमें केबल पोजीशन है, इसलिए होलोनॉमिक, सॉरी ज्योमेट्रिकल। टाइम नहीं है इसलिए स्केलरोनॉमिक। इक्वल टू के बराबर लिखा हुआ है इसलिए होलोनॉमिक। अब ये सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, ये बनाने का सिंबलिकल तरीका बड़ा करके दिखाऊं क्या? ये इस तरीके से दिखाया है ना, तो सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, इसमें टाइम इन्वॉल्व होता तो रियोनॉमिक। लेकिन इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इक्वल टू के बराबर ही लिखी गई थी, होलोनॉमिक। केवल वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं थी, केवल पोजीशन इन्वॉल्व है, इसलिए ज्योमेट्रिकल। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से दिखा देता हूं मैं आपको पीछे वाली स्लाइड। ये देखो इसकी इक्वेशन देखो, इक्वल टू बराबर जीरो लिखी हुई इसलिए होलोनॉमिक। टाइम है नहीं, टाइम है इसलिए रियोनॉमिक। और पोजीशन इन्वॉल्व है केवल, वेलोसिटी नहीं है इसलिए इसलिए ज्योमेट्रिकल। क्लियर है? फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक वो रखा हुआ है, अगर मान लीजिए एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो क्या कंस्टेंट है? कंस्टेंट ये कि
ये ब्लॉक इसी सरफेस पर बना रहेगा। तो होलोनॉमिक क्योंकि तो बाई बराबर कांस्टेंट रहेगा, जो भी है जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट। स्केलोनॉमिक क्योंकि टाइम नहीं होगा, और ज्योमेट्रिकल क्योंकि इसमें वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, आपको दिख रहा होगा ये रोलिंग डिस्क का एग्जाम्पल दिखाया, रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड, अभी पिक्चर बनाया था याद हो तो। थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग क्लास में, चूंकि कोई बाहर का बच्चा हो सकता ना समझे, लेकिन जो लोग क्लास में है वो तो समझ रहे होंगे। तो ये कौन सा कंस्टेंट है, होलोनॉमिक या नॉन होलोनॉमिक? नॉन होलोनॉमिक, क्योंकि इसमें नॉन इंटीग्रेबल कंस्टेंट इन्वॉल्व थे, और काइनामेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें वेलोसिटी थी। और स्केलोनॉमिक और रियोनॉमिक की अगर बात करें तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब इंटीग्रेट हुआ ही नहीं, जब काइनामेटिकल कंस्टेंट इंटीग्रेट होके बना ही नहीं, तो हमें यही नहीं पता चला ना कि इसका बिहेवियर कैसा है, टाइम इसमें आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट वाला जो है सेवेंथ नंबर, जो अभी आपको करवाया था, क्या इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई सिलेंडर लुढ़क रहा है तो याद हो तो इसकी इक्वेशन आई थी x माइनस r थीटा इज इक्वल टू जीरो। पीछे पलट के दिखाऊं, x माइनस r फाई या x माइनस r थीटा इज इक्वल टू जीरो, कौन सा कंस्टेंट इन्वॉल्व है? ज्योमेट्रिकल, होलोनॉमिक क्योंकि बराबर जीरो के लिखा जा सकता है, और स्केलोनॉमिक क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? नहीं सर, ज्योमेट्रिकल वाला दोबारा देख, इसी का ये सर। देखो ना, इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया था ज्योमेट्रिकल में, ये था काइनामेटिकल, लेकिन इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन गया? हाँ वही ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट ही बन गया ना। तो जब कन्वर्ट हो जा रहा है तो ज्योमेट्रिकल बोल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप बताओ? Yes. हो सकता है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो, मैं अभी कह रहा हूं। तो ये सारी सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि इन्हीं के लैग्रांजियन हमें लिखने हैं, इन्हीं की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, और ये तो सात एग्जांपल हैं, ऐसे 25 ही सवाल अभी होंगे, तो वहां पर हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा। ये तो मैंने केवल सिम्बोलिकली आपको चीजें समझाने के लिए बताया कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें रियोनॉमिक होगा, कैसे स्केलोनॉमिक में डिफरेंशिएट कर पाए, होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक में कैसे डिफरेंशिएट कर पाए, ज्योमेट्रिकल और काइनामेटिकल में कैसे डिफरेंशिएट कर पाए, तो उसको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिए। आगे बढ़ेंगे तो आगे और समझ में आएगा, ठीक है सर? ये लास्ट वाले में अगर ये अगर रोलिंग डिस्क नहीं होगा और बॉक्स होगा तो सर, लास्ट वाला जो है ना सिक्स नंबर सेवन नंबर, रोलिंग डिक्स ना होके बॉक्स हो जाए। रोलिंग बॉक्स कभी सुना है आपने? नहीं नहीं, रोलिंग बॉक्स नहीं, रोलिंग डिक्स ना होके बॉक्स होगा ले, बॉक्स स्लाइडिंग के लिए बोल रहे हैं। हाँ, बॉक्स स्लाइडिंग। तो वो तो सेम होगी सिचुएशन, अगर बॉक्स स्लाइड हो रहा है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो होलोनॉमिक ही होगा, स्केलोनॉमिक ही होगा, ज्योमेट्रिक ही होगा इसमें, क्योंकि पोजिशन आप कहाँ से लिखोगे, जहां से लड़काया होगा, तो एक्स से ही काम चल जाएगा ना केवल, इसमें तो ठीटा उठा का झाड़ी नहीं आएगा। इसकी कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होगी? ठीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी पे रहना है इसको, तो सेम रहेगी सिचुएशन। ये सर सारे ज्योमेट्रिकल वाले हैं, बिना कोई दूसरा एग्जांपल जो ज्योमेट्रिकल ना हो, जो काइनामेटिकल हो। हाँ सर, मोस्टली तो काइनेमेटिकल में क्या पर कैसे करोगे? मैंने कहा ना, जहां जहां रोलिंग हो, जहां जहां रोलिंग होगी वहां पर काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। अब ये बात अलग है कि वो काइनेमेटिकल कंस्टेंट ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। जैसे यहाँ पे काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ वाला काइनेमेटिकल कंस्टेंट ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि वो इंटीग्रेबल है, लेकिन यहाँ वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसको काइनामेटिकल कंस्टेंट की कैटेगरी में ही रखा गया। तो ऐसे बहुत कम एग्जांपल आप लोग देखोगे जो कि ये मोनिका बेटा समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा।
अच्छा आज के लिए पूछ रहे हो आप कि आज बस खत्म हो गया क्या? तो मुझे लगता है यहीं पे मुझे ब्रेक कर देना चाहिए आज, ठीक है? कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं, और चीजें बातें आगे करेंगे, तो मोस्टली आप लोगों को कल और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो आप लोग जो लोग क्लास छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, स्लाइड शो कर दो, स्लाइड शो कर देता हूँ, बाकी आप लोग देख ले। ओवरऑल थोड़ा तो फिगर आउट हुआ होगा ना क्या चीजें है, होती हैं ये? Yes. अभी आज रिकॉग्नाइज ये नहीं करना कि आज समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कल की एक और क्लास होने के बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ये इस टाइप की जो फोर्सेस लेते हैं ये तो लेने नहीं है ना एक भी? नॉर्मल रिएक्शन वगैरह को तो कंसीडर नहीं करना ना सर? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट। यस सर। वो अभी कल मैं आपको बताऊंगा, काफी चीजें अभी रह गई है ना, तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट को और अच्छे से क्लियर करेंगे आपको, क्योंकि अभी वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, यहाँ सब बातें होंगी ना, तो ये सब बातें और क्लियर होंगी। यस सर। सर वो लास्ट में आपने फिगर दिखाए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कंस्टेंट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इनको, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। हेलो सर। हाँ सर, आपने लास्ट में जो फिगर दिखाई उनके कंस्टेंट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि डायरेक्टली भी लिख सकते? डायरेक्ट लिख सकते सर। एक बार बता दीजिए ना, लास्ट के छूट गए हमारे। ये देखो लास्ट वाला यही तो है। नहीं सर, वो फिगर बताइए आपने सब। अभी आ रहा हूँ बेटा, वही पहुंच। हाँ इसमें लास्ट वाले रह गए ना, उनका भी इक्वेशन बता दीजिए ना। अच्छा इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बेटा सब। अच्छा इसकी है आपके पास ना, इसकी तो पीछे वाली स्लाइड में ही थी। सर एक बार मेंशन कर दो सर, 15 नंबर स्लाइड एक बार प्लीज शो कर दीजिए। एक मिनट बेटा। इसकी बाई बराबर कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी एक्स डॉट बराबर आर फाई डॉट साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी आपको लिखा हुआ था याद आ रहा हो तो, और इस वाले की x इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है सर? r थीटा है ओके। कहाँ पे? लास्ट वाला r थीटा है r फाई। सर आपने फाई लिख दी कि फाई है वहां पे? नहीं नहीं r फाई होगा ना, क्योंकि फाई वो वाला एंगल नहीं है। ये देखो आप, ओके सर, ये थीटा से मतलब नहीं है इसका, वो कितना घूम रहा है उससे मतलब है। हाँ बेटा, कि एक और आवाज आई थी पीछे से, वो कुछ पूछ रहे थे। स्लाइड नंबर 9, 7, 8, 6, 7, 8, 6। सर हो गया 7, 8 और कुछ? थैंक यू सर। 9। हाँ अब बताओ बेटा, क्या और कोई दिक्कत है? सर रोलिंग डिस्क और ग्राउंड की इक्वेशंस को इंटीग्रेट क्यों हो सकती? क्या चीज? रोलिंग डिस्क और ग्राउंड, हाँ ये इक्वेशंस को इंटीग्रेट क्यों हो सकती? नहीं कर सकते आप, करने की कोशिश कर लेना। सर सर मैं इंक्लाइन प्लेन, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में कई वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स भी है, वाई भी है, एक्स भी है, फाई भी है, थीटा भी है और टाइम भी है, नहीं कर पाओगे आप। बहुत सारी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो आप जिनको नहीं कर सकते, ये करके दिखा देना। इसको कर लोगे एक्स डॉट वाई डॉट इक्वल टू, के लिए भी तो dx इक्वल टू r dphi था। क्या चीज? इंक्लाइंड प्लेन की इक्वेशन। इंक्लाइंड प्लेन की इक्वेशन देखो ये रही, इसमें थीटा कहाँ है? x डॉट इक्वल सर x और फाई और r तो है ना, r तो कांस्टेंट है ना, रेडियस है। अच्छा हेलो सर। हेलो ठीक
सर फोर नंबर स्लाइड पे आज सर वो कंडीशन समझ नहीं आ रही, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली के माइनस। हाँ सर ये कंडीशन एल कांस्टेंट वाली है। ये क्या हुआ, दिक्कत क्या हो रही है इसमें? नहीं सर जो यही आपने कंडीशन यहाँ पे जनरेट करके आगे अप्लाई किया ना उसने लास्ट में कैसे ये आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बराबर जीरो, ये वाला पूछ रहे हो? ओके सर हो गया। अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी होगी आपने। हाँ सर हो गया, माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का हो गया सर, हो गया हो गया। अब तो मैं बताऊंगा जरूर सर। एक कॉइन का जो एग्जांपल है उसमें अगर एक और कंस्टेंट ऐड कर दे कि मतलब कॉइन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ तो सर तब ये होलोनॉमिक बन जाएगा, तब ये होलोनॉमिक है। तब तो इसमें और इसमें फर्क ही क्या रहेगा, सिलेंडर और उसके। हाँ ओके सर बिल्कुल सही कह रहे हो। वो इसको नॉन होलोनॉमिक कौन क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना। हाँ यस होलोनॉमिक हम पढ़ेंगे, पता है कौन से हम कौन से पढ़ेंगे? होलोनॉमिक सर, होलोनॉमिक ही पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या 99% हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब होलोनॉमिक होगा। क्यों? क्योंकि नॉन होलोनॉमिक पढ़ना अपने बस की बात ही नहीं है, आसान नहीं है। ये नॉन होलोनॉमिक वाला जो चीजें मिलेंगी वो आपको केओस थ्योरी मिलेगी जो नॉन लीनियर डायनेमिक्स में, और वो बहुत कठिन होती है। आप लोगों ने अगर एमएससी में पढ़ी हो तो फेज स्पेस डायग्राम के बाद चीजें जो चालू होती हैं वो होती हैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके सर ओके बेटा, कल जरूर रहना आप लोग क्लास में, तब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।